अभी अपना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का सीरीज चल रहा है, जिसमें दो मेथड ऑलरेडी हो चुका है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हो चुका है। अब आज की क्लास में देखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, तो इसके लिए कुछ स्टेप है, उसको फॉलो करना होगा। स्टेप नंबर वन लिखिए। स्टेप नंबर वन में सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। लिखेंगे कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ये अपने पिछले दो मेथड में देख चुके हैं कि जितना प्रॉफिट है उसको नंबर ऑफ ईयर से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। लेट अस सपोज 5 साल की प्रॉफिट दी हुई है, तो 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अगर कुछ एडजस्टमेंट होगा इन बिटवीन तो उसको भी एडजस्ट करने के बाद प्रॉफिट निकालेंगे। तो पहला है आपका स्टेप कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। स्टेप नंबर टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग फार्मूला। आपको सेकेंड स्टेप में नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा। नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये सब कुछ क्वेश्चन में गिवन रहेगा, बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब टोटल कितना कैपिटल आपके बिजनेस में लगा हुआ है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, डिवाइड बाय 100, इससे आपका निकलेगा नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप नंबर थ्री कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। इस स्टेप को फॉलो करके हम लोग बनाएंगे। कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग फार्मूला। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट अगर हम माइनस करेंगे तो उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आ गया। अब स्टेप नंबर फोर कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग फार्मूला। देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फार्मूला क्या होता है, ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में था। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में था गुडविल बराबर होता था, देखो क्या होता था दिखाता हूँ। गुडविल बराबर होता था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वहीं पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में था वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होगा, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज तो दिया हुआ रहता है, ये सुपर प्रॉफिट आपको निकालना होता है। सुपर प्रॉफिट निकालने के ये तीन स्टेप है, बस इस स्टेप को देख देख कर आप बनाएंगे तो भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा बहुत आसानी से। तो फार्मूला याद करना बिल्कुल आसान है, पहला फार्मूला अगर याद है तो उसी के जैसा सेम टू सेम होता है। तो ये सुपर प्रॉफिट मेथड का स्टेप है। अब एक क्वेश्चन हम आपको करके दिखाते हैं कि ये स्टेप्स को फॉलो करके किस तरीके से बनाया जाता है सुपर प्रॉफिट मेथड में। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है मोहन एंड सोहन अर्न अ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 लाख। Their capital employed in the firm is 14 lakh. It is expected that the average rate of profit is 10% on capital. Calculate amount of goodwill if goodwill is valued at 2 year purchase of super profit. तो super profit method से आपको goodwill निकालना है। तो step number one क्या था, step number one है average profit निकालना। average profit हमारे पास already दिया हुआ है, अगर नहीं रहता तो average profit हम लोग निकाल लेते हैं। तो पहला step एवरेज प्रॉफिट पता करिए, दिया हुआ रहेगा ठीक है, नहीं रहेगा निकालना है। ये अपने पास दिया हुआ है 8 लाख रुपया, तो बहुत अच्छा है। उसके बाद सेकेंड स्टेप है हमारा कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग फार्मूला। आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट, और आप बार बार फार्मूला लिखिए। अगर आप नहीं भी जानते भी हैं तो भी आप लिखिए, याद होगा। नॉर्मल प्रॉफिट के फार्मूला क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। तो
तो हम यहाँ फार्मूला लिख रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100 ऐसे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 14 लाख रुपीज और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% और बाई 100, परसेंटेज के लिए 100 होता है। 2 0 कैंसिल, 1 4 1 2 3 4, 140,000 रुपये हो गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब देखिए दो स्टेप हो गया, अपने एवरेज प्रॉफिट भी निकाला, नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाला। नेक्स्ट है कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग फार्मूला। आप सुपर प्रॉफिट निकालना है तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए अपने पास फार्मूला है सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे तो उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है जो नॉर्मल प्रॉफिट है उससे कितना ज़्यादा आपने प्रॉफिट कमाया। तो फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल जो प्रॉफिट है उससे आपने कितना एक्स्ट्रा कमाया उसी को सुपर प्रॉफिट बोला जाता है। तो एवरेज प्रॉफिट है 8 लाख रुपीज और नॉर्मल प्रॉफिट है 1,40,000 रुपीज। तो इसमें माइनस कीजिए 6 लाख में 1,40,000 तो बचेगा, अच्छा 8 लाख में 1,40,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 6,60,000। ये हो गया आपका सुपर प्रॉफिट। सो देयरफॉर अब हम क्या निकालेंगे, गुडविल। तो चौथी स्टेप है कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग फार्मूला। गुडविल बराबर होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो गुडविल इज इक्वल टू लिखिए सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट अपने पास है 6,60,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ये देखिए 2 ईयर दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 2 ईयर। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 13,20,000। ये हो गया गुडविल का वैल्यूएशन 13,20,000 रुपीज़। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में आपने सीखा गुडविल कैसे निकाला जाता है। सुपर प्रॉफिट मेथड का फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसके लिए अपने पास 4 स्टेप होती है। पहले स्टेप में हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, अगर एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं है तो एडजस्टमेंट करने के बाद निकाला जाता है। जैसे हम लोग पहले वाला 2 मेथड किए थे सिंपल एवरेज प्रॉफिट या वेटेड एवरेज, तो उसमें जिस तरीके से एवरेज प्रॉफिट निकालते थे वैसे निकालेंगे। दूसरा है कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, तो उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ रहेगा उसको कैपिटल एम्प्लॉयड से मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है सुपर प्रॉफिट निकालना, तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जो आपका एवरेज प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज़्यादा है उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो ये निकालने के बाद आप फार्मूला में पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट होता है और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी होता है। तो दोनों देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन बनता है।